सो सेवेंथ इट कंसिस्ट ऑफ टू थर्ड ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन द अर्थ. द रीजन इसके क्या होंगे? रीजन्स आर, पहला कि द हार्ड एग्जोस्केलेटन रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी मेकिंग देम मोर अडेप्टेड टू टेरिस्ट्रियल कंडीशन. सो द हार्ड एग्जोस्केलेटन, ठीक है, रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स. And make them more adaptable to terrestrial condition. Terrain के लिए वो उन्हें ठीक बनाता है, adapted हो जाते हैं, क्योंकि पानी कम है तो भी ठीक है. हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट द बॉडी, इनकी बॉडी प्रोटेक्ट भी करता है हार्ड एक्सोस्केलेटन. तो दूसरा रीजन क्या है कि पहला तो उनको फिट बनाता है और दूसरी चीज है कि वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. सेकंड है कि हार्ड एक्सो skeleton made of chitin protect their body. जैसे आप स्कॉर्पियन को देखो कितना हार्ड एग्जोस्केलेटन है, तो ऐसे दबाने से भी वो कुछ नहीं होगा, बाहर से कोई हमला करेगा तो भी प्रोटेक्टेड रहेगी, काइटिन का है. ज्वाइंट लेग्स अलाउ मोर मोबिलिटी ऑन लेग, तो ये चल फिर सकते हैं, तो ज्वाइंट अपेंडेजेस है तो उसकी वजह से क्या है, लेग्स अलाउ मोर मोबिलिटी. देखो कई चीजें हैं ऑन लैंड, सिर्फ ये जमीन पे इनके पास जो है फोर पेयर ऑफ लेग्स चलने के लिए नहीं है, इनके पास विंग्स है उड़ने के लिए भी, तो मोबिलिटी भी ज्यादा है. चिड़िया तेजी से नहीं चल पाएगी जमीन में, एविस नहीं चल पाएगी, लेकिन इनकी ग्राउंड पे मोबिलिटी भी बड़ी तेज है कीड़ा, और उड़ने में भी तेज है, तो आप ऐसे में ये एस्केप बड़ी जल्दी कर पाते हैं. समझ में आई कि नहीं? और अगली चीज क्या है कि फ्लाइट इज पॉसिबल, सो विच मेक्स सो दे कैन इजिली एस्केप फ्रॉम देयर प्रीडेटर. सो फ्लाइट इज पॉसिबल, so they can easily escape from predators. ये सारे रीजंस है, समझ में आ गया? और पूछो. अच्छी बात. अब देखो कि start with morphology of flowering plants. Now morphology of flowering plants. आप देखिए कि
जो प्लांट हैं, तो प्लांट में क्या होता है कि ये जो पूरा प्लांट है, सो दिस प्लांट इज, ये पूरा प्लांट स्पोरोफाइट है। अच्छा, प्लांट में दो अल्टरनेट स्टेज होती है, तो अल्टरेशन ऑफ स्टेज को जनरेशन क्या कहते हैं? एक होता है स्पोरो फाइट और दूसरा क्या होता है? गेमीटो फाइट। अच्छा, फाइट का मतलब क्या होता है? प्लांट, फाइट मींस प्लांट, और इनके बीच में क्या होती रहती है? अल्टरेशन ऑफ स्टेज होती रहती है, गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो अब जरा देखें, ये पूरा प्लांट स्पोरोफाइट है, ये बहुत बड़ा मैमथ प्लांट है और स्पोरोफाइट है। इसमें क्या चीज होगी? तो इसमें कहीं ना कहीं अब एक इस तरीके से फ्लावर डेवलप होगा। इसमें से क्या चीज डेवलप हो गई? फ्लावर डेवलप हो गया, ये उसमें सेपल हो गए, पेटल हो गए, ऐसे पेटल हो गए ये, और फिर पेटल में इसके अंदर क्या हो गया? क्या कैलिक्स डेवलप हो गया? कैलिक्स में क्या हो गया? स्टिग्मा है, फिर क्या है? स्टाइल और ओवरी है, ये सारी चीजें हैं। तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या हुआ? इसके अंदर यहाँ पर जो भी चीज डेवलप हुई, तो इसमें क्या चीज हुआ? इसके अंदर ये मदर स्पोर सेल है अभी भी, जैसे हमने पहले आपको बताया था, अभी भी स्पोर ही है। स्पोरोफाइट के अंदर कौन डेवलप हुआ बताओ? एक बहुत सारी मदर सेल हुई, बहुत सारी मदर सेल हुई। और वैसे तो इसके चारों तरफ क्या है? बहुत सारा क्या है? ये सब क्या है बताइए? दैट इज इक्वल्स टू एंथर, और एंथर के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्या एंड्रोशियम? और अगर बहुत सारे कार्पेल हो, बहुत सारे कार्पेल होंगे तब उसे क्या कहेंगे? दैट इज बहुत सारे इसमें ये चीजें फीमेल वाले, तो इनको कहेंगे गाइनाइशियम। तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन को कहेंगे एंड्राइशियम, और ग्रुप ऑफ कार्पेल को क्या कहेंगे बताइए? गाइनाइशियम। इतनी बात समझ में आई? तो अच्छा, ये जो स्पोरोफाइट है, ये इसकी टू एन स्टेज है। स्पोरोफाइट कैसी स्टेज है? टू एन स्टेज। तो प्लांट पूरा स्पोरोफाइट है। प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरीके से होता है। सो रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है? क्या इनमें रिप्रोडक्शन जो हो सकता है वो वेजिटेटिव हो सकता है क्या? वेजिटेटिव। और दूसरा क्या हो सकता है? ए सेक्सुअल। और तीसरा सेक्सुअल। अगर वेजिटेटिव का क्या मतलब है कि फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट, अगर काट के लगा दो, सो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट से हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव है, वही बढ़ना शुरू कर दे। और ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ये किसकी वजह से होगा बताइए? ग्रोथ ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू। और इसकी प्लॉइडी टू है, प्लॉइडी कितनी है? टू, यानी इसमें हैप्लॉइड सेल का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें ये डाइप्लॉइड का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, विद यूज ऑफ डाइप्लॉइड सेल्स, टू एन क्रोमोसोम। जबकि ए सेक्सुअल में क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया कि इसके अंदर कौन था बताओ? इसके फ्लावर में, ये फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर ये क्या है बताइए? दैट इज मेगा, इसमें बहुत सारे ये क्या है? ये स्पोरेंजियम है, जिसमें स्पोर रहते हैं उसको क्या कहते हैं बताओ? स्पोरेंजियम। तो एक होता है गैमिटेंजियम, और एक क्या होता है? स्पोरेंजियम। फिर गैमिटेंजियम भी आगे बढ़ के बाद में आर्किगोनियम होगा या एंथेरिडियम में बनेगा। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं, वही आर्किगोनियम आगे चल के हम कहते हैं कि दैट इज गाइनाइशियम, जब और वो हो जाता है डेवलप। तो नहीं तो शुरुआती स्टेज में क्या कहते हैं? आर्किगोनियम। जैसे कि आप देखते हैं ब्रायोफाइटा में आर्किगोनियम कहते हैं कि नहीं? तो अभी हम आगे फ्लो चार्ट बना देंगे कि स्पोरेंजियम है और गेमिटेंजियम है, फिर गेमिटेंजियम में आगे दो है। अच्छा, ये जो स्पोर है, जिसमें स्पोर्स रह रहे हैं उनको हमने क्या कहा? स्पोरेंजियम। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे, जब बहुत बड़ा हमारा पेड़ है वो डाइप्लॉन्टिक है,
ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं मालूम है, ये जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं ये सब किस तरीके से हैं? पूरा पेड़ तो इसमें किस तरीके का है बताओ? क्या पूरा स्टेम सेल या ऑटो सेल से बना है? क्या ये डाइप्लॉन्टिक है? और सिर्फ इसमें निकला हुआ जो फूल है वो कैसा है? वही तो है प्लांटिक है कि नहीं, बोलिए। अच्छा, इसमें अगर बहुत सारे ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें क्या भरा होता है, मेगा स्पोर, क्या चीज भरी है बताइए? मेगा स्पोर भरा है। अच्छा, इसी तरीके से इनमें किनारे किनारे भी एक ग्रुप चला आ रहा है बाई लोग, उसमें क्या भरा है? क्या माइक्रोस्पोर है? माइक्रोस्पोर। तो एक तरीके से ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, और ये क्या है? क्या ये मेगा स्पोरेंजियम है? बोलो, जिसमें रह रहा है ये क्या चीज कहलाएगी? मेगा स्पोरेंजियम। और इसे क्या कहेंगे? इसमें माइक्रोस्पोर्स हैं तो इसे क्या कहेंगे? माइक्रो स्पोरेंजियम। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी जो भी चीज हैं तो उसमें बहुत सारे सेल हैं, लेकिन इनमें से एक सेल एक ऐसी होगी जो ये चीज़ इसमें से, बाकी डिजनरेट हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसी होगी या ज़्यादा भी हो सकती है, अगर मान लो मल्टी कार्पेलरी है तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो समझ में आई बात कि नहीं? तो इसमें क्या है, बहुत सारे भी हो सकते हैं लेकिन एक कभी कभी एक ही बचती है और बाकी डिजनरेट हो जाती है। जैसे ये कहे कि आई वॉन्ट टू डेवलप एज ए ओवरी, ये कहे मैं माँ बनना चाहती हूँ, बाकी नहीं बनना चाहे माँ, तो ऐसे केस में बाकी डिजेनरेट हो जाएगी, रह जाएगी, तो इसको कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोरेंजियम में बहुत सारे मेगा स्पोर हैं, लेकिन अगर ये सारी कैंसिल हो जाए, ऑल डाई बट वन रिमेन, ऑल अदर जो मेगा स्पोर डाई एंड वन रिमेन्स, वन रह जाए, रिमेन सर्वाइव्ड, तो जो सर्वाइव्ड रह जाएगी उसे क्या कहेंगे बताओ? अब ये चीज जो है, ये हमारे पास यही फ्लावर है, तो ये इसके अंदर की कैलिक्स है और इसमें क्या हो गई, ये स्टाइल है, तो इसमें अब एक सेल रह गई, ठीक है। अच्छा, ये सिंगल सेल है, इसको क्या कहेंगे? क्या मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे बताइए? और इसके चारों तरफ जो कि माइक्रोस्पोर्स हैं स्पोरेंजियम, उनमें माइक्रोस्कोप डेवलप होंगे, उनमें ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हम मरे या तुम मरो, सारे ऑल सर्वाइव, तो इसमें ऑल सर्वाइव करते हैं, जैसे मेल में स्पर्म ऑल सर्वाइव करते हैं, लेकिन ये है तो चूंकि इसे फ्रूट कंटेन करना है तो बहुत सारे बच्चे तो पेट में नहीं रख लेगी, एक ही रखेगी, तो ये MMC है, दिस इज MMC, तो ऑल सर्वाइव करते हैं, तो ऑल माइक्रोस्पोर सर्वाइव, ऑल माइक्रो स्पोर सर्वाइव। अब ये जो मेगा स्पोर है ये क्या करेगी, कई तरीके से डीजनरेट करेगी, तो ये अपने अंदर क्या करेगी, क्या चार सेल बनाएगी, ठीक है ना? तो अब यहां पर ये क्या कर रही बताइए, कि इसकी मियोसिस हो गई, इसकी क्या हो गई, मियोसिस। मियोसिस थी, इसके पहले तक ये 2N थी, मेगा स्पोर भी 2N है, लेकिन अब इसने चार सेल बना ली, और अब मियोसिस के बाद अब ये क्या बन गया, क्या N रह गया? N में ये मर जाएगी, ये मर जाएगी और ये भी मर जाएगी, अब कितना बचा बताओ? क्या इसके अंदर सिर्फ एक बची? तीन डीजनरेट हो गए, और ये हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड है इसको कहेंगे, ये जो है ये स्पोर हो गया, दैट इज कॉल्ड स्पोर, या ये इसे ये भी कह सकते हैं कि नाउ ये चीज जो भी बन गई है ये दैट इज स्पोर। अब इनमें क्या होगा कि मैं स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन गया, स्पोरेंजियम थ्री फोल्ड माइटोसिस करेगा, थ्री फोल्ड माइटोसिस। थ्री फोल्ड माइटोसिस से क्या चीज बन जाएगी, क्या थ्री फोल्ड माइटोसिस से इसी के अंदर एक ये चीज है, ये बाहर वाला क्या है बताइए, ये क्या, ये ओवरी है, ये ओवरी है कि नहीं?
ओवरी में ये चीज क्या कहलाती है, क्या ये पेरिकार्प है जो बाहर वाली, ये ओवरी है, थोड़ी मोटी मोटी सी है एक झिल्ली, इसको क्या कहेंगे बताओ? पेरिकार्प। यही जो है आम में, यही पेरिकार्प हम लोग खाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो एक बची है सेल, वो कितने फोल्ड डिवीजन कर रही है? थ्री फोल्ड, एक से दो, दो से चार, चार से आठ बनी, तो तीन यहां रह जाएंगी, उनको क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल। बताइए। अच्छा, बीच में दो रह गई, उनको क्या कहेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। बताइए। और फिर यहां तीन रह गई, तो ये बीच वाला है एग, और ये दोनों क्या इसकी बहने हैं? सिनर्जिड का मतलब है साथी या सहभागी। क्या ये दोनों सिनर्जिड हैं? सिनर्जिड सेल। बोलो, समझ में आ गई बात? और ये क्या यही एग है? ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इसमें दो मेम्ब्रेन होगी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या कहेंगे? इंटीगमेंट। ये क्या है? इंटीगमेंट। तो इंटीगमेंट ये है, और यहीं पर ये एग है। इंटीगमेंट बाद में सीड कोट बनेगा। इंटीगमेंट में दोनों इंटीगमेंट के भी अपने अपने नाम हैं, तो वो हम बाद में देख लेंगे कि इनके क्या नाम है, बट टू फोल्ड इंटीगमेंट है। तो इंटीगमेंट गेट डेवलप्ड एट सीड कोट। इंटीगमेंट किस में डेवलप होगा? मेंट गेट डेवलप्ड एज सीड कोट। सीड कोट में डेवलप हो जाएगा। अब जरा देखो कि ये सीड कोट में डेवलप हो गया, और पेरिकार फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, ये क्या होगा? डेवलप एज, पेरिकार्प भी ओवरी है, सो डेवलप एज एपिकार्प सबसे बाहर, मीजो कार्प एंड स्टोनी एंडोकार्प। आम की गुठली देखी है? स्टोनी एंडोकार्प, वो स्टोनी है। इवन हम एपिकार्प नहीं खाते हैं, एंडोकार्प नहीं खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं। क्या ये सब पेरिकार्प से बना है? ओवरी फूल गई है क्या? इतनी बात समझ में आ गई कि क्या क्या चीज हुई? यानी हमने आपको बताया कि ये पूरा स्पोरोफाइट था। स्पोर्स, इसमें क्या हुआ कि पहले स्पोर्स बनते हैं। तो आप फिर से एक बार साइकिल देखो कि होता क्या है कि स्पोरोफाइट, तो क्या उसमें बहुत सारे मेगा स्पोर बने? ये सब मेगा स्पोर्स में दिखा रहा हूं क्या? बताइए, मेगा स्पोरोफाइट से क्या बना बताइए? स्पोर्स। स्पोर्स आर, ये टू एन इनकी प्लॉइडी होती है, और इनकी भी कितनी होती है? टू एन प्लॉइडी। ये कभी भी आपस में फ्यूज नहीं करते, स्पोर कभी भी आपस में डू नॉट फ्यूज विद ईच अदर, ये नहीं फ्यूज कर सकते। पहले तो प्लॉइडी इनकी टू एन है, ये कर सकते हैं क्या? बोलो। अच्छा, ऊपर ही देख लो, क्या अगर बहुत सारी सेल थी तो एक ही की तो इच्छा हुई मां बनने की, बाकी बाकी तो नहीं बनी ना, वो तो मर गई। तो जिसकी इच्छा हुई तो वो बाकी डिजेनरेट कर गई। अब ये भी अभी भी स्पोर है। जब इसकी, फिर इसने क्या किया? मियोसिस की। मियोसिस के बाद क्या इसने गेमीट बनाया? एक मियोसिस हो जाए, गेमीट बन गया, फिर उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते चाहे जो करे, तो उसने फिर आगे, अब ये जो भी चीज है तो गेमिटोजेनेसिस होती है। स्पोर से क्या बना बताओ? स्पोर से अब आगे की चीज हो सकती है, या तो इसकी मियोसिस होगी, ठीक है, सो मियोसिस से क्या हो जाएगा? गेमिटोजेनेसिस होगी। तो अब यहां गेमीट बन सकती है, गेमीट बन गई। अच्छा, कभी कभी क्या होता है छोटे पौधों में, जैसे कि एल्गे है ब्रायोफाइटा में, जो गेमीट बनती है वो बढ़ना शुरू कर देती है, और उसमें गेमीट टेंजियम आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? मान लो इसने, इसने तो बना दिया हैप्लॉइडिक, यहां से इसने क्या बना दिया? हैप्लॉइडिक। लेकिन ये अभी नहीं रुकेगी, ये गेमीट से गेमिटोफाइट बना देगी। जैसे आपने देखा था ब्रायोफाइटा में, फ्यूनेरिया और माउस में पूरा गेमिटोफाइट था कि नहीं? नीचे कि दिखा दूं आपको? बोलो।
नीचे गेमिटोफाइट था कि नहीं, और वही बढ़ता चला गया, और कभी कभी नीचे थैलस बन जाता है, प्रोथैलस बन जाता है, वो सब गेमिटोफाइट ही तो है। तो गेमिट्स मतलब या तो क्या हो सकता है, मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद ये गेमिटोफाइट बना दे, तो गेमिटोफाइट के बाद गेमीट बनाए, मियोसिस हो गई, मियोसिस होने के बाद इसकी एन हो गई प्लॉइडी, ऊपर टू एन है, और फिर ये क्या बना दे बताइए, गेमीट बना दे। और गेमीट जो भी बनेगा उसी में अगर दूर से दूसरा गेमीट भी मिल गया, तो ये जो चीज बनी क्या ये जाइगोट बनी, क्या जाइगोट फर्स्ट स्पोर है, बोलो, जाइगोट बन गया ना ये एन और एन। और अब अगर ये जाइगोट फिर आगे चल के ये जाइगोट से तो पूरा पौधा बन जाता है, जाइगोट से तो पौधा बन जाता है पूरा, इतना बड़ा पीपल का पेड़ बन जाता है, तो ये चीज स्पोरोफाइट बन गई कि नहीं। तो हमारे केस में दो चीजें हैं कि किसी प्लांट में क्या क्या चीज हो सकती है, स्पोरोफाइट भी हो सकती है और क्या हो सकता है, गेमिटोफाइट भी हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर केस में जैसे कि ये एल्गे में देख लो, तो एल्गे में ज्यादातर उनमें तीन तरीके का है। अब हमारे पास एल्गे हो गया, और क्या हो गया, एल्गे के बाद ब्रायोफाइटा, फिर क्या है, टेरिडोफाइटा, और फिर क्या है बताओ, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स में जिसमें सीड होंगे, फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स में तो दो होते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म। अच्छा, ये जो चीज होती है इसकी हैप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इन दोनों की क्या होती है, हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, ये भी बता देते हैं, हैप्लोडाइप्लॉन्टिक, और इसकी क्या होती है बताइए, डाइप्लॉन्टिक। क्योंकि इसमें इतना बड़ा पौधा है, तो बताओ पौधे में फ्लावर कितनी देर के लिए आया, ये तो कई टन का मास है, तो फ्लावर की कोई वैल्यू है इसमें, इवन वो इस पर डिपेंडेंट है, अपनी खुद की फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, और गेमीट आते ही फ्लावर आते हैं, फ्लावर झड़ जाते हैं, फिर से वो तुरंत फ्लावर बनते ही वहाँ पॉलिनेशन में कितनी देर लगती होगी, बोलो, पॉलिनेशन हो गया फिर से क्या बन गया बताओ, जाइगोट बना, बन गया ना स्पोर। तो इसलिए इसमें जो डोमिनेंट फेज है वो कौन है, हार्डली देयर आर स्पोर्स आर फॉर्म फॉर एनी टाइम, तो अल्टरेशन ऑफ स्टेज जरूर है, लेकिन ये है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने तीन तरीके के देखे, बताओ कौन सा देखा, क्या एक वेजिटेटिव देखा और दूसरा एसेक्सुअल। इफ जो स्पोर है, स्पोर तो जर्मिनेट नहीं हो सकता है ना, बताओ, तो स्पोर ही अगर बढ़ना शुरू कर दे तो उसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, और स्पोर ही जनरेट करना शुरू कर दें, जैसे किसी चीज में से स्पोरेंजियम बस्ट हुआ, स्पोर फट गए, जैसे आप ब्रेड माउल्ड नहीं देखती हो, ब्रेड माउल्ड में स्पोर्स होते हैं कि नहीं, बोलो, तो वो स्पोर फट गए, तो अगर फट गए उन स्पोर्स को जू स्पोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जू स्पोर्स, वो अगर फट गए और उसमें से ये निकल गए और ये फिर आगे चल के पूरा पेड़ बना दें। If spore form a complete plant, spore, उसको वो गेमीट कभी बनाए ही ना, वो अपनी प्लाइडी चेंज ही ना करे, वो 2N में ही रहे, तो 2N में है ये और 2N ही रहेगा, ठीक है, तो चाहे इसके जो भी है राइजोट्स हैं, जो भी हैं, वो सब 2N है। तो इस तरीके से if spore get developed into, तो स्पोर्स गेट डेवलप्ड into कंप्लीट प्लांट, तो क्या इसमें कभी मियोसिस होगी कि नहीं होगी, कभी नहीं होगी, बोलो, नहीं, ये बात सही आपने कही, नो मियोसिस। अच्छा, जो सेक्सुअल होते हैं उनमें क्या होती है, स्पोर फॉर्म्स
स्पोर फॉर्म या तो वो गेमीट बना दें, जैसे बहुत बड़े बड़े एंजियोस्पर्म हैं, स्पोर के अंदर क्या होगा, मेगा स्पोर है, फिर मेगा स्पोर में एक मेगा मेगा स्पोर मदर सेल होगी कि नहीं, और मेगा स्पोर मदर सेल है, फिर में उसकी मियोसिस होगी, जो एक बचेगी वही मदर सेल है और बाकी सब डिजेनरेट हो गए मेगा स्पोर। तो इससे क्या बना, स्पोर स्पोर। तो स्पोर में क्या हुआ, एक मेगा स्पोर मदर सेल है, बोलो मदर सेल, और मदर सेल से क्या बन गया, इसकी मियोसिस हुई, तो इससे बन गया मेगा स्पोर मदर सेल में बहुत कुछ हुआ है, तो एक तरीके से मियोसिस, फिर थ्री फोल्ड माइटोसिस, ये सब हुआ है कि नहीं, प्लस थ्री फोल्ड माइटोसिस, और इतना होने के बाद क्या बना है, क्या ओवम। अच्छा ओवम जो बन गया वो ओव्यूल में है, और ओव्यूल किस में बताइए, ओवरी में, ओवम ओव्यूल में। अच्छा बाकी भी सात फालतू के सेल बने हैं, तो वो फालतू वाले सेल से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, वो बस फालतू के ही हैं, ज़्यादा हमें उनसे लेना देना नहीं है। तो हमने ये बात देख ली कि ये तीन तरीके की लाइफ साइकिल आपने देखी, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब जरा देखो कि इसमें क्या चीज़ होती होगी, इसमें एक बहुत बड़ा थैलस होता है एल्गी में, वैसे तो ज़्यादातर एल्गी यूनिसेलुलर हैं, लेकिन एल्गी में अगर आप ब्राउन एल्गी में चले जाओगे तो जैसे कि आप कैल्प देखते हो 60-60 मीटर के ऊंचे होते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं, और रेड एल्गी है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग तरीके के एरिथ्रोप्लास्टिड्स हैं, तो किसी में जैंथोप्लास्टिड्स हैं, तो ब्राउन एल्गी है, ऐसे उन सब में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन ये उनमें थैलस होगा, और जो थैलस है वो इसकी कौन सी स्टेज है, क्या वो उसकी प्लॉइडी एन है, और क्या वो गेमीटो है, और क्या वो गेमीटो फाइट है, फाइट का मतलब पौधा, तो इसकी प्लॉइडी है नहीं, गेमीटो फाइट है पूरा थैलस। इसके पास एक कहीं पर क्या है, ये एक जो है फीमेल गेमीट, दैट इज फीमेल गेमीट, तो फीमेल गेमीट। वैसे तो जो एल्गे में आप देख सकती हैं आइसोगेमी भी है, एनआइसोगेमी है, और ऊगेमी भी है, मतलब गेमीट का किसी तरीके से मिलना होगा बहाने से, चाहे वो आइसोगेमी ही क्यों ना हो, लेकिन जब गेमीट है तो गेमीट गेमीट मिलेंगे। तो अगर कहीं से ये स्पर्म भी आ रहा है या इसके तरीके का ही आ गया कहीं से दूसरा वाला, तो ये चीज़ सब पानी में होती है, तो वाटर बॉडी है एल्गे ज़्यादातर किस में है, सबसे पहले दुनिया में एल्गे आए, एल्गे के बाद क्या है ब्रायोफाइट आए, ब्रायोफाइट को भी पानी चाहिए, तो इन सब में, यहाँ तक कि इसमें भी हम देखेंगे बिना वाटर के कभी भी फ्यूजन ऑफ गेमीट नहीं होता, टेरिडोफाइट भी पानी से ही होते हैं, तो वाटर इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, फिर बाद में टेरेस्ट्रियल प्लांट आए, तो ये इनका क्रम है विकास का, यहाँ से ये फिर टेरिडोफाइट और फिर धीरे धीरे कौन आए, दैट इज फेनेरोगैम्स। तो ये क्रिप्टोगेम है ना ये सारे, बोलो ये क्रिप्टो गेम है, तो इन सब में ये है। अब ये एक मेल गेमीट आ गया, मेल गेमीट, तो यहां पर अब हम आ गए हैं कि इन सब में क्या होगा कि इससे इस ये जो चीज है मिल जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और फ्यूज होने के बाद यहीं कहीं ये क्या बना देगा, बताओ क्या यहीं मिलने के बाद जाइगोट बना देगा, बोलो, और क्या ये जो जाइगोट है ये स्पोर है, क्या इसकी प्लॉइडी 2n है, बट दिस स्पोर विल नेवर फॉर्म स्पोरोफाइट। अब ये क्या बन गया, स्पोर तो बन गया, दिस विल नेवर फॉर्म, ये कभी भी क्या नहीं बनाएगा बताओ, स्पोरोफाइट, और तुरंत ही अब इसमें ये लग जाएगा नहीं अब मुझको भी डिवाइड करना है, और तुरंत ही ये अब डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, क्या अपने ही अंदर चार सेल बना लेगा। तो ये जो स्पोर है यही, इसको आप चाहे इसको कह दो मेगा, यहाँ पर मेगा यही स्पोर है, सिंगल स्पोर है, तो ये जब चार सेल बना लेगा, तो यहाँ पर चार सेल बनाने के बाद तीन सेल तो इसके डेथ कर जाएंगे और सिंगल बन जाएगा, ये जो सिंगल बचेगा ये तो मियोसिस हो गई इसकी, यहीं पे हो गई मियोसिस, चार बनने का मतलब एक से चार बनने का। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो सिंगल है ये
यहां पर ये सिंगल बच गया, ये जो सिंगल बच गया यही गेमीट है, या इसे कह सकते हो कि एन सेल। और यही चल के अब क्या बनाएगा, अभी ये पहले थैलस बनाएगा, बोलो क्या बनाएगा, थैलस। थैलस में से ही कोई एक ऐसा होगा जो फीमेल गेमीट बन जाएगा, या इसी के किसी पोर्शन में मेल गेमीट है, कोई ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, इसी के किसी पोर्शन में मोल, या इसके बगल में और कहीं है जिसमें, अगर ज़्यादा एन आइसोगेमी है या ओ गेमी है तो अलग अलग थैलस भी बनते हैं, ये भी देखा है आपने। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसे हैप्लॉन्टिक क्यों कहा गया, यानी कोई ना कोई तो रीजन होगा। क्या इसमें डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मौजूद ही नहीं है, कि या सिर्फ एक सेल के लिए मौजूद है, उसकी कोई वैल्यू है, बोलो कुछ कुछ भी वैल्यू है उसकी, क्या वैल्यू, एक सेल बना जरा देर के लिए और तुरंत टूट गया, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइफ साइकिल है उसमें क्या आपने देखा, ये देखो कुछ चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में अभी हम आगे बढ़ेंगे तो वो बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। ये जरा देखो कि अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हैप्लॉन्टिक की बात करें कि हुआ क्या यहाँ पे, क्यों हमने इसे हैप्लॉन्टिक कहा, क्यों क्या मजबूरी ऐसी थी। तो पहली मजबूरी ये थी कि जैसे दो गेमीट मिले तो उनके बीच क्या हुई, क्या सिंगेमी हुई, और सिंगेमी से क्या बना, क्या जाइगोट बना, क्या ये 2n है, क्या ये दोनों n है, क्या जाइगोट ही स्पोर है, बोलो। और जाइगोट ने तुरंत क्या कर दी, क्या मियोसिस कर दी, बोलो। मियोसिस करने के बाद ये जो सिंगल था, मतलब अब ये मियोसिस हो रही है सिंगल की, देखो सिंगल से 2 और 2 से क्या बन गए, और 2, ये जो 4 बन गए, ये 4 अब एन वाले, यहाँ तक तो पहले 2n है, पहले तो क्या होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो ये 4n होगा और ये 2n 2n होंगे, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, 2n 2n वाले तो टूट जाएंगे और उनमें क्या हो जाएगी बताइए, उनमें सीधी अब ये हाफ हाफ हो जाएंगे, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के बिना माइटोसिस हो जाएगी, ये माइटोसिस 1 है, यहाँ पे क्या हुआ बताइए, माइटोसिस 1 विद डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। और दूसरे में क्या हुआ, माइटोसिस 2 विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन। इतनी बात समझ में आ गई, तो इन सब की प्लॉइडी एन हुई, 3 मर गए एक बचा, बोलो। अच्छा अब ये जो बन गया है ये यहां पर इसको इन्होंने बता दिया कि दैट इज, फिर गेमीटोफाइट बनाएगा यहीं पे, सो दैट विल फॉर्म एज गेमीटोफाइट। ठीक है, और गेमीटोफाइट एन का बना देगा, फिर उनकी गेमीटोजेनेसिस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे बना सकते हैं कि इतना हिस्सा जो यहाँ तक का हिस्सा है वो एक है, और फिर जो बाकी का हिस्सा है वो अलग है, यानी इतना हिस्सा अलग है। अब जरा एक मिनट हम और एक चीज़ देख लें, वास्तव में ये स्पोर किसे कहना चाहते हैं, कि एक प्लॉइडी ऑफ स्पोर, अच्छा ये जो चीज है इसको इन्होंने कहा है कि दैट इज डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट। यहाँ पर स्पोर दो तरीके के हैं, तो एक होता है जो मदर सेल है, तो मदर सेल है वो डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट है, और उससे जो बनेगा वो अब स्पोर है, ऐसा बताया है। तो मदर सेल भी स्पोर है,
वो डाइप्लॉइड स्पोर है, जब उसकी म्यूज यहाँ पर आप देखो कि एक मदर सेल हमने आपको बताई थी, ये मदर सेल है कि नहीं, इसे मदर सेल बोलना ठीक है। अब इसी के अंदर में ही स्पोरेंजियम, इसे स्पोरेंजियम फिर क्यों कहा गया अगर इसे मदर सेल कहा गया? इसे इसलिए स्पोरेंजियम बना क्योंकि इसके अंदर में ही ये टूट जाएगी। ये मियोसिस क्या बाहर होगी कि अंदर होगी? ये इसी के अंदर हो रही ना, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो इट इज दैट इज, इसे मेगा स्पोर भी कह सकते हैं या मदर सेल भी कह सकते हैं, और ये डाइप्लॉइड है। डाइप्लॉइड के बाद जब ये बनाती है सिंगल, तो सिंगल जो हैप्लॉइड उसे क्या कहा गया है? स्पोर। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब अगर स्पोर से ही पूरा जनरेशन हो जाए तो उस तरीके की जनरेशन को क्या कहेंगे कि स्पोरोफाइट बना दिया पूरा पौधा। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो एक चीज हम और एक चीज और देख लेते हैं कि ब्रेड माउल्ड इज हैप्लॉइडिक और डाइप्लॉइडिक। दैट इज जाइगोट और स्पोरोस्पोर्स कॉनिडोफोर्स ज़ोपस प्लस हैप्लॉइड स्पोर। ओके, तो एक चीज और इसमें हम लोगों ने देख ली कि यहां पर जो ब्रेड माउल्ड है, इसमें यहां पर दिखाया गया है कि इसके अंदर जो इसकी मदर सेल है उसमें से जो स्पोर निकलेंगे वो एन होंगे, और एन से जो डेवलप होगा वही पूरा प्लांट बनेगा। तो इसका मतलब है इसकी प्लॉइडी कैसी दिखाई गई है, दैट इज रिजोपस हैप्लॉइडिक स्पोर है। तो इट इज नाउ प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और वो माइटोसिस से बढ़ते बढ़ते पूरा बना देते हैं। तो इसकी प्लॉइडी एनी है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो छोटे पौधे हैं उनकी प्लॉइडी कितनी मानी गई है? एन मानी गई है। तो नो मियोसिस की जगह आप मियोसिस लिख लें। स्पोर गेट डेवलप्ड, यही स्पोर है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर आपने देखा मेगा स्पोर है, ये भी मेगा स्पोर ही है। स्पोरेंजियम में क्या चीज होती है? स्पोरेंजियम में क्या चीज होगी? मेगा स्पोर होगा, और मेगा स्पोर के बाद क्या बनेगा? फिर स्पोर बन जाएगा। स्पोर की मर्जी है, वो चाहे तो ये फिर गेमिटोफाइट बना ले। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि क्या चीज होती है कि ना, इतनी बात हो गई। तो अब हम देखेंगे कि प्लांट में क्या चीज होती है, दैट इज एल्गे में। एल्गे में हम इसे हैप्लॉन्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो थैलस बनेगा, थैलस बन जाएगा, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि थैलस में गेमीट मिल जाएंगे, एक स्पोर बनेगा, फिर स्पोर से क्या हो जाएगा, दैट इज मेगा स्पोर। जो जाइगोट है वो क्या है? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर मदर सेल है, फिर उससे स्पोर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज होता है, दैट इज थैलस। थैलस क्या है? ये गेमिटोफाइट स्टेट है, गेमिटो। और इससे क्या बना थैलस पे? क्या फीमेल गेमीट हम निकाल दें? फीमेल गेमीट। और किसी दूसरे थैलस से क्या बनेगा? क्या मेल गेमीट? मेल गेमीट। और ये दोनों मिल गए तो क्या बना? जाइगोट। तो ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट आगे क्या करेगा? तो जाइगोट आगे जाएगा, तो इसके बाद जाइगोट में क्या चीज होगी? ये एक तरीके का मेगा स्पोर है, मेगा स्पोर, मदर सेल भी कह सकते हो, मदर सेल। तो इसमें मियोसिस हो गई, और मियोसिस के बाद इसने क्या बना दिया? क्या स्पोर बना दिया? और स्पोर्स के बाद क्या थैलस बना दिया? ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन, ये टू एन। क्या इस चीज को छोड़ दें तो बाकी सबकी प्लॉइडी कैसी है, बताओ? ये कैसी लाइफ साइकिल है? क्या यही डाइप्लॉइड यही है इसमें? डाइप्लॉइड, और बाकी हैप्लॉन्टिक है ना, तो ये डाइप्लॉन्टिक है और ये हैप्लॉन्टिक है। अच्छा, ये हमने एल्गे का बताया। अब आगे देखिए, एल्गे के अलावा अगर हम बात करें तो वास्तव में ब्रायोफाइट में क्या होता होगा? ब्रायोफाइट में जब भी
ये एक तरीके से मॉस की बात कर लें, फ्यूनेरिया की बात कर लें, ये हमारा प्लांट बढ़ रहा है। तो प्लांट में जब इसमें मेगा स्पोर है, तो ये में इसमें क्या हुआ, मेगा स्पोर है। तो ये जो चीज थी जमीन में, इसको कहते हैं गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट था। तो ब्रायोफाइटा में इसमें क्या चीज है, अब इसमें आर्किगोनियम भी हो सकता है, ठीक है, एंथीरिडियम भी हो सकता है। तो इस स्पोर ने अभी क्या किया है, ये बढ़ने लगा, यानी इसने क्या किया, इसने आगे चल के इसने कैप्सूल सी बना ली, यानी स्पोर ये नहीं कि तुरंत ही टूटने लगा, बात समझ में आई कि नहीं, कि ये गेमीटोफाइट स्टेज है। तो गेमीटोफाइट स्टेज में जब यहाँ पर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें मिलकर के जाइगोट बना होगा, ये पहले क्या बना है बताइए, तो कहीं से स्पर्म आया होगा, एक जाइगोट बना लिया, जाइगोट बनने के बाद अब जाइगोट बन गया है तो ये बढ़ने लगा, और बढ़ने के बाद इसने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट, एक पौधा बना दिया। फाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और फिर उसमें क्या हुआ, जब इसने पौधा बना दिया तो कहीं ना कहीं इसमें एक अंदर चीज है जिसमें स्पोरेंजियम बनाया, इसने क्या बनाया, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर कौन होगा, क्या ये एक तरीके से मदर सेल होगी जो बाद में टूट के फिर वो क्या बनाएगी, गेमीट बनाएगी। भाई एक तरीके से दैट इज मेगा मदर सेल, MMC उसको कहते हैं, मेगा मदर सेल। और फिर वो क्या, स्पोरेंजियम में क्या होगा, एक मदर सेल है, और मदर सेल उसे मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं या मेगा मदर सेल, MMC। और फिर उसके बाद वो क्या बना देगी, जब मेगा मदर सेल में मियोसिस होगी तो वो क्या बना देगी बताओ, क्या वही स्पोर बना देगी, और वो एन होगा क्या। अच्छा, ये एन वाला जो है, ये एन वाला बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगेगा तो चाहे तो ये मेल गेमीटोफाइट बना दे या क्या बना दे बताओ, स्पोर बढ़ते बढ़ते ग्रो करेगा, यानी ये माइटोसिस करने लगेगा, समझ में आ गई ना बात, बताइए। तो अगर ये माइटोसिस करने लगे तो क्या बना दे, दैट इट विल फॉर्म, या तो मेल गेमीटोफाइट भी बना सकता है या दूसरा क्या बना सकता है, फाइट, और ये है फीमेल गेमीटोफाइट। अच्छा, अब ये जो चीज है, क्या इसमें दोनों का ही वजन है, मतलब फिर भी ये जो चीज है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, फोटोसिंथेसिस यही कर रही है, सो ये फोटोसिंथेसिस कर रही है, इसलिए डाइप्लो हैप्लांटिक नहीं बोला गया है, जो फोटोसिंथेसिस करता है उसके नाम पे बोला जाता है। तो ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस कर रही है, अगर मान लो ये कर रही होती तो क्या कहा जाए, ये हैप्लो डाइप्लांटिक है, हैप्लोइड, हैप्लो कर रहा है, तो इसका क्या नाम पड़ेगा बताओ, हैप्लो डाइप प्लांटिक, क्योंकि दोनों के पौधे हैं तो दोनों का नाम लिया गया। तो ये ब्रायोफाइटा में होगा, और टेरिडोफाइटा में कुछ कुछ में डाइप्लो हैप्लांटिक हो जाता है, अगर वो पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये चीज है कि उसके अंदर बढ़ने लग जाए, गेमीट ही बढ़ने लग जाए इसके अंदर, तो उल्टी बात हो जाएगी कि नहीं, ये चीज है। तो इट इज ये टेरिडोफाइटा, खैर आपके में उसका एग्जाम्पल नहीं है तो फाइटा, ये बात हो गई। अच्छा, तीसरा केस हमने क्या बताया, तीसरा केस एक और भी बताया है कि तीसरे केस में क्या चीज बताई, मान लीजिए कि जैसे ये प्लांट है, तो ये एक बड़ा प्लांट है, तो इस प्लांट में क्या हुआ, ये पूरा क्या है, क्या ये स्पोरोफाइट है, ये 2N है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में क्या होगा, क्या एक स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियम भाई जिसमें स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल किसमें बनती है, क्या फ्लावर में बनती है क्या, तो ये चीज है। स्पोरोफाइट में अभी ये फ्लावर बना, फ्लावर में क्या बना, क्या ये स्पोरेंजियम बना, इसी में तो स्पोर आएंगे, स्पोर इसमें बनेंगे, इसीलिए इसका नाम स्पोरेंजियम है। अब फिर
जैसे ये सारे बहुत सारे थे, तो इनमें से एक रह जाए और बाकी हट जाए, तो उसे क्या कहेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल। और इसी तरीके से इसे क्या कहेंगे? ये माइक्रो स्पोरेंजियम है, माइक्रो स्पोरेंजियम, जो कि बाइलोब में होता है, और मतलब और इसके एक में टू अलग अलग ट्यूब्यूल होते हैं, तो एक तरीके से टेट्रा ट्यूब्यूल होता है, जो भी जितने भी अंतर हैं, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब जरा देखो, इसके बाद की बात तो आपको पता ही है, मेगा स्पोर मदर सेल ने क्या की? क्या मियोसिस की? तो मियोसिस करने के बाद सिंगल बची थी, मियोसिस के बाद क्या चार सेल बनाए? तीन सेल मर गए, एक सेल बचा। तो मियोसिस के बाद इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई? एन बची। फिर थ्री फोल्ड माइटोसिस हुई, बोलो, थ्री फोल्ड माइटोसिस हुई, तो क्या बन गया? क्या ये जो चीज बन गई, तो यहाँ पर थ्री सेल ये हैं और टू सेल ये हैं और यहाँ पर थ्री सेल है, इसे एग सेल कहा जाए। फिर ये इसका इंटीग्रमेंट है क्या? मतलब आप ये देखिए कि ये जो चीज है, तो इसमें ये इसका इंटीग्रमेंट है, और इंटीग्रमेंट के ऊपर कौन सा है बताइए? क्या ये ओवरी है? ओवरी होगी। ओवरी में ये क्या बताया? पेरी कार। इंटीग्रमेंट क्या बनेगा? क्या इंटीग्रमेंट फ्यूचर सीट कोट है? दैट इज फ्यूचर सीड कोट। और ये क्या है? क्या फ्यूचर फ्रूट है? अच्छा, अब इंटीग्रमेंट में इसके बीच में जो चीज है उसको कहते हैं न्यूसिलस। क्या कहेंगे? न्यूसिलस एक लिक्विड है। कई बार हम लोग ये जो भूसा होता है नारियल में, ये नहीं खाते हैं, हम लोग न्यूसिलस पी जाते हैं। तो ऐसी चीजें जिसमें हम न्यूसिलस पी जाएंगे उसे ड्रूप कहते हैं, नारियल एक ड्रूप है, हम ड्रूप को पी जाते हैं। मैंगो में ये खाते हैं, पेरिकार्प को छिलका उतार के खा लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये पी जाते हैं, न्यूसिलस है। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया ना, ये एग है, और ये एग क्या स्पोर है? यही चीज है, जो एग है यही चीज आप कह सकते हैं स्पोरेंजियम है, और ये जो चीज है, तो इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। अब इसमें एम्ब्रियो बनना है, एम्ब्रियो कब बनेगा? क्या ये बात आपको मालूम है कि जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है? फिर किसमें बदलता है एम्ब्रियो? तो लेकिन अभी से, अब ये एग है, अब एग हमारे पास आ गया, यहां तक बनने के बाद नाउ दिस इज कॉल्ड, और ये माइक्रो पाइलर एंड है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो पाइलर एंड, माइक्रो पाइलर एंड है ये चीज है, और ये चीज हम इसे क्या कह सकते हैं? अब क्या इसे एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं? क्योंकि अब इसमें एम्ब्रियो बनने वाला है ना, ज्यादा समय नहीं है, सो एम्ब्रियो सैक। इतनी बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए, चलो कोई बात नहीं, ये उल्टा बना दिया हमने एक, ये इसमें आ गया और ये अंदर आके अंदर जाने लगा, तो ये चीज है, ये इसकी सहेलियां हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्कुल ऐसे ऐसे होते हैं, तो दे आर कॉलिंग दिस पॉलन। इसमें दो ये प्रिंस आ रहे हैं, दैट इज मेल न्यूक्लियाई। अब उनमें ये जो चीज है, मेल न्यूक्लियस क्या होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ डीजनरेट हो जाएगा, और मेल न्यूक्लियस फिर फर्दर डिवाइड हो जाएंगे टू में। बोलो, बात समझ में आ गई? वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजनरेट्स, और ये मेल न्यूक्लियस का क्या हुआ? मेल न्यूक्लियस जो भी होगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन का मेल न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड, माइटोटिकली डिवाइड। अच्छा, डिवाइड हो गए, तो ये सिनर्जिड सेल के ऊपर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, इसे विली फॉर्म कहते हैं, ये बुला रही हैं, तो ये जाते हैं सबसे पहले इन्हीं के पास, और इसके पास जाएंगे तो इसको फोड़ देंगे, जो बुला रहा है उसी को फोड़ देंगे, और फोड़ने के बाद ये एक तो इसमें इससे मिल जाएगा, एक इससे मिल जाएगा और एक आगे बढ़ जाएगा,
और ये एंटीपोडल सेल फालतू के सेल हैं, इनसे फालतू कोई चीज़ नहीं होती, इनका कोई भी काम नहीं, ये दिखावती हैं। ये कौन है बताइए? एंटी पोडल सेल, जो कि शैलिजल एंड पर होते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाए कि इधर से फोड़ के आ जाए पॉलन ग्रेन, पीछे से आ जाए, तब एक ऐसा हो सकता है कि तब भी एक इसमें से इसका कोई काम नहीं, फोड़ते हुए एक यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई में मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये शैलेजल एंड है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात यहाँ तक आ गई है, कहाँ तक आ गई है कि ये देखो एम्ब्रियो सैक समझ में आ गया क्या? अच्छा, एम्ब्रियो सैक समझ में आ गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे ये हमारे पास ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ही तो ओव्यूल होता है, तो और ओव्यूल के अंदर क्या होगा? ओवम होगा, तो ये चीज़ होती है। तो ये कहीं ना कहीं इससे अटैच्ड है, मान लो कभी कभी ऐसे भी अटैच्ड हो सकता है, ये दो इंटीगमेंट हैं, क्योंकि यही तो सीड बनने वाला है कि नहीं, तो ये अटैच है, ये जहां अटैच है उसको कहेंगे प्लेसेंटा। वैसे तो ये जो फ्लावर जहां अटैच है वो खुद ही एक थैलामस है, एक पैडी लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं बताओ? क्या थैलामस नहीं कहते? क्या इसे रिसेप्टिकल नहीं कहते? बोलो बताइए, क्या इसी पे सारे पेटल सेपल नहीं होते? सेपल सबसे बाहर वाला, फिर पेटल होगा, फिर एंथर होंगे, तो ये थैलामस हुआ कि नहीं, फूल में सबसे नीचे। अच्छा, ये जो क्या है कि यहाँ पर भी ये अटैच है, तो ये फ्यूनिकल है, इसको क्या कहते हैं बताइए? ये ओव्यूल में बोल रहा हूँ, ये बात समझ में आई कि नहीं? और जो ओव्यूल है क्या उसी के अंदर ओवम है क्या? वैसे तो अभी ओव्यूल है, लेकिन अभी वो आगे चल करके वो जो सिंगल स्पोर है वो थ्री फोल्ड डिवाइड करके अभी इसके बाद तो ये एम्ब्रियो सैक बनने वाला है। थोड़ी देर इसकी किस्मत है कि ओव्यूल कहला ले, बाकी तो एम्ब्रियो सैक बनने वाला है। बोलो बता। अच्छा, इस पार्ट में ये क्या चीज है? क्या ये हीलियम है जहां पर ये जुड़ा है? और कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये बीज जो रह जाएगा और ये खा पी लिया जाएगा, तो क्या हर एक सीड में हीलियम एक रिमेनेंट निशान होता है जो शेष रह जाता है, सिर्फ एक स्कैर मार्क है, जैसे चेहरे पर एक दाग बना रह जाए, हीलियम, हीलियम। नाउ लेट अस सी ये हीलियम क्या चीज होती है, तो हम आपको बता दें। क्योंकि ये पूरी कहानी है, ये जितनी भी चीज है ना, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए जरूरी है बताना। अब देखो, तो मैं हीलियम दिखा भी दूं, ये स्क्वायर मार्क कहाँ होता है, तो जिससे आपको पता चल जाए कि कभी कभी एक छोटा सा पार्ट होगा, ये निशान सा रह जाएगा जहाँ पे ये अटैच होगा, तो ये चीज़ है। माइक्रोपाइलर एक छेद है जिससे कि बीज सांस लेता है, अभी आगे बीज बन जाएगा ना, जब इसमें क्या होगा, इसका जाइगोट बनेगा, सीड बन जाएगा, लेकिन एक छोटा सा है बीज, मान लो आप एक साल बाद उसे फिर बोओगे, तो क्या वो बीज जिंदा है कि मर गया है? बीज तो नहीं मरा है, क्योंकि उसको तो एक साल तक खाना भी खाना है, खुद को सर्वाइव रखना है कि नहीं? आपने तो उसको ड्रम में भर के बंद करके रख दिया, लेकिन वो किससे सांस लेगा? माइक्रोपाइलर एंड से। अगर नहीं ले पाएगा तो सड़ जाएगा, और लेगा स्वस्थ रहेगा, सही तरीके से रखोगे तो रहेगा। समझ में आ गई? उसके ऊपर हीलियम है, तो चने में देखा जा सकता है हीलियम। अच्छा, आपने फ्यूनिकल देख लिया, प्लेसेंटा देख लिया, हीलियम देख लिया, अब ये चीज है, क्या इसी के अंदर जो ये मेल न्यूक्लियस आए थे वो दो आए, वेजिटेटिव की तो बात अब छोड़ दो, तो दो एक कहाँ पे बताओ फ्यूज हुआ?
क्या एक ओवम में फ्यूज हुआ और एक आगे चला गया, और एक जो आगे गया वो, और यहां जो दो थे ये तीनों फ्यूज हो गए क्या, और एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो गए। बोलो बात समझ में आई। यहां पे दो हैं, अगर आप देखें तो दो दिखा रहा हूं, ये चीज है। इस चीज को क्या कहेंगे, ये चीज कहेंगे सिंगेमी। इसको क्या कहलाएंगे, सिंग, और इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इतनी बात समझ में आ गई। ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोप्लास्मिक न्यूक्लियस, पीईएन बनेगा कि नहीं, जो कि क्या है, क्या ये फ्यूचर एंडोस्पर्म है, और ये क्या है, ये दैट इज, यहाँ पर ये फ्यूचर सीड है, लेकिन अभी नहीं, अभी ये जाइगोट है। ये सिंगेमी से क्या बन गया, जाइगोट। इट विल फॉर्म एम्ब्रियो, इट विल फॉर्म सीड, ये चीज, और ये सीड कोट है। तो सीड की अगर बात किया जाए तो ये एम्ब्रियो बनाएगा, बस एम्ब्रियो तक ही रखो, इससे ज्यादा नहीं रखो, बस एम्ब्रियो। एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म इज कॉल्ड सीड। अच्छा, अब आगे की बात देखो कि यहां से जब जाइगोट बना, जाइगोट के बनने के बाद क्या हुआ कि इसी के अंदर क्या क्या चीज हुई होंगी, जरा ये चीज देखो कि ये है। अब मैं ओवरी में ही आ गया हूं, ओवरी में। तो इसके अंदर एक सिंगल सेल था, क्या वो जाइगोट था, बोलो। तो जाइगोट क्या माइटोटिकली डिवाइड करने लगा, फिलामेंटस हो गया क्या, बताइए, डिवाइड कर रहा है, माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर सब कुछ है, मतलब ये एम्ब्रियो सैक है, अभी बनाएगा ना एम्ब्रियो, तो इसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। हम लोगों में भी तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो सैक। तो बेबी के पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर फीटस बनेगा, फिर ये जो चीज बनी, ये जाइगोट, ये सब। अब ये 2N है, अब ये चीज सीड बन गई, जाइगोट है, अब इसे माइटोसिस हो रही है, फिर फर्दर माइटोसिस, अब ये माइटोसिस ही करेगा, और फिर ये ऐसे बना देगा, तो फिर और आगे जाएगा। तो ये क्या होगा कि यहां पर दो दो चीजें हैं, कि सबसे पहले यहां पर देखो, तो सबसे पहले यहां पर एंडोस्पर्म ने बढ़ना शुरू किया, बोला हम बढ़ेंगे। सो एंडोस्पर्म माइटोटिकली डिवाइड, कहता हमें तो तुमको खाना देना है ना, तो मुझे तो बढ़ने दो, तुम अभी क्यों बढ़ रहे हो, तुम बाद में बढ़ना। तो इस तरीके से सबसे पहले ये बढ़ता है, तो ये बढ़ेगा, तो हम क्या कहते हैं, दैट इज पीईएन ग्रोज माइटोटिकली। पहले क्या करेगा, माइटोटिकली बढ़ेगा, माइटोटिकली बढ़ रहा है, तो ये टू फॉर्म एंडोस्पर्म क्या बना लेगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म से अब क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा, लेकिन ये एंडोस्पर्म को अब ये खा जाएगा, कहेगा नहीं, हम ऐसे आपको नहीं बढ़ना दे रहे हैं। नाउ दीज आर इट्स टाइनी कॉटिलीडन, ये इसके दो क्या हैं, टाइनी कॉटिलीडन विच कंज्यूम्स, जो एंडोस्पर्म था उसको खा गए ये, और धीरे धीरे खाते खाते कहने लगे हम बढ़ गए, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम निकलो यहां से। सो टाइनी कॉटिलिडन विच कंज्यूम्स फूड ऑफ, या न्यूट्रिशन फूड ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बना लेंगे। तो ये जब चीज है, ये बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आगे चलकर ये टू कॉटिलिडन बन जाएगी, और यहाँ पर फिर और आगे चलने पर ये जो टू कॉटिलीडन बनेगी, तो यहाँ पर ये टू कॉटिलीडन बन गया और एम्ब्रियो सैक चला गया, और ये जो बीच में बचेगा, ये छोटा सा जो बच रहा है बीच में नन्हा सा, यही फ्यूचर प्लांट है। ये क्या है बताइए, फ्यूचर प्लांट। अच्छा, इसके जो सबसे ऊपर है वो प्लम्यूल है, और इसके जो सबसे नीचे है वो क्या है, रेडिकल। बोलो समझ में आ गई बात,
रेडिकल क्या बनाएगा? क्या ये फ्यूचर रूट है? बताइए, इज इट ओके? अच्छा, जो प्लम्यूल है वो क्या है? क्या फ्यूचर स्टेम है? और इसके ठीक नीचे क्या है? जो चीज ऊपर है उसे कहना एपिकोटाइल, और जो नीचे उसे क्या कहोगे? हाइपो नीचे होता है ना, इसे कहोगी एपिकोटाइल, और इसे कहोगी हाइपो कोटाइल। इतनी बात समझ में आई? और ये जो बीच की चीज है इसे क्या कहोगी? क्या ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है? बताओ, इसको क्या कहोगी बीच वाले? दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये जो चीज मैंने बताई, क्या ये डाइकॉट है? क्या डाइकॉट में, डाइकॉट में क्या एंडोस्पर्म नहीं होता? बताइए। सो डाइकॉट, जो बड़े पौधे होते हैं, ऑल लार्जर प्लांट्स, प्लांट्स होते हैं मैमथ प्लांट, जितने बड़े पौधे हैं, आंख बंद करके डाइकॉट बोलना, ऑल वुडी प्लांट जिनमें टैप रूट होती है, प्लांट्स आर, ये क्या है? डू नॉट हैव, कैसा होगा इसमें? डू नॉट हैव एंडोस्पर्म। लेकिन क्या आप ऐसी चीज की कल्पना कर सकती हैं कि जिसमें अगर ये बढ़ते बढ़ते बढ़ा और एक ही कोटिलीडन बन पाया और दूसरा डिजेनरेट कर गया, वो बन ही नहीं पाया, तो ऐसी स्थिति में ये भी रहेगा और साथ में इसके चारों तरफ जो एंडोस्पर्म है वो भी रहेगा। तो ये एंडोस्पर्म में कह रहा, हम भी रहेंगे तुम भी रहोगे, तो ऐसे केस में कह रहा तुम अकेले तो नहीं सर्वाइव करा पाओगे क्योंकि तुम तो मोनोकॉट हो, पौधे को मेरी भी जरूरत पड़ेगी कोटिलीडन, और कह रहा ये एंडोस्पर्म हम तो रहेंगे ना साथ में तुम्हारे, तो ये एंडोस्पर्म है। तो इस तरीके से मोनोकॉट जो भी होते हैं आर शर्ब्स, सारे गुलाब के फूल, लिली के फूल सब मोनोकॉट है। मोनोकॉट जो तुम्हारी ऊंचाई से कम है सब मोनोकॉट है। मोनोकॉट्स आर शर्ब्स, झाड़ियां हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया मोनोकॉटिलीडन, और इसी में, इसमें भी जो भी होगा उसी तरीके से सिस्टम होगा। रेडिकल है, प्लम्यूल है, आपके में ये फिगर बना है, ये फिगर इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें देख लेना चाहिए कि ये जैसे ये देखो कि जहाँ पर प्लांट दिया है ना, प्लांट किंगडम, तो उसमें आपको मेज का एक दिया है कि नहीं दिया, कहाँ दिया है? तो ये चीज़ है। सो अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, एम्ब्रियो बोलो कैसे कैसे मोनोकॉट बन रहा है, बताओ। इसी से तो बना फिर सब कुछ। अब वही चीज़ है कि बन गया, फिर धीरे धीरे जो चीज़ आगे बढ़ गई तो उसमें रूट और शूट सिस्टम निकल जाता है। अब जरा देखो कि ये मोनोकॉट है, इसमें भी यही एक्सिस है। तो अब अगर प्लांट में जो चीज़ ये है, ये सीड है, तो सीड है, सीड को मैं दो कॉटिलीडियन है तो दो ऐसे बना देता हूँ, वैसे तो एक साथ ही बनाना चाहिए, लेकिन चने का है, चने का बनाना चाहो तो चने का बना लो। चने में किस तरीके से होता है? ऐसे होता है, तो इस तरीके से होता है कि नहीं? तो इसमें या सेम का बना लो। तो एक इसमें क्या है जो ऊपर निकलेगा, ये है, और एक चीज़ नीचे निकलेगी, तो रेडिकल नीचे नीचे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये ऊपर जाएगा, इसमें लीफलेट्स हैं, टू लीफलेट्स होंगी, ये चीज़ हैं। तो यहाँ पर ये प्राइमरी रूट है, जो रेडिकल से निकले क्या उसे टू रूट कहोगी? बोलो भाई, जो रेडिकल से निकलेगी उसे क्या कहोगी? द रूट विच कम्स आउट, कमिंग आउट फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल इज कॉल्ड ट्रू रूट, दैट इज कॉल्ड ट्रू रूट। ट्रू रूट इट इज ऑलवेज टैप रूट, ऑलवेज कैसी होगी? टैप रूट होगी। अच्छा, टैप रूट रेडिकल से निकलती है, उसमें ये जो टैप रूट है उसमें ये प्राइमरी रूट है,
और जो लेटरली जाती हैं क्षैतिज दिशा में, क्या वो सेकेंडरी रूट है? टर्शरी रूट भी हो सकती हैं। अगर उससे भी निकल आई तो क्या हुई? टर्शरी रूट। लेकिन जिस रूट के अंत में हेयर हो, वन सेल हेयर हो, वन सेल माइक्रोस्कोपिक हेयर होंगे जिससे कि उसमें ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरी जो ऑस्मोसिस को बढ़ा सके, तो उसको कहेंगे रूट हेयर। तो ये हो गया टैप रूट सिस्टम। जितने भी बड़े पौधे हैं, क्या वो डाइकॉट समझती हो बताओ? क्या उनमें बहुत अंदर तक रूट चाहिए, नींव बहुत अंदर तक चाहिए क्या, बताइए? तो क्या उनमें टैप रूट होगी? क्योंकि पता नहीं पानी कहाँ से लेना पड़ जाए, इतनी पानी की जरूरत है, तो उनमें कैसी रूट होगी बताओ? टैप रूट होगी। और ये डाइकॉट हैं। अच्छा, क्या इनकी जो रूट्स है वो ट्रू रूट है क्या, बताइए? अच्छा, जो ट्रू रूट का मतलब है जो रेडिकल से निकले। फिर से देखो, ये इसमें क्या था, क्या ये प्लम्यूल था? ये क्या रेडिकल था? तो जो रेडिकल पार्ट से निकले उसे क्या कहोगी? ट्रू रूट। तो फिर ये ट्रू रूट हुई। फिर अब आगे देखो कि क्या हुआ। इतना बात समझ में आ गया ट्रू रूट क्या है? अच्छा, आगे देखिए कि मान लीजिए आप कहेंगे मक्का भी तो है, उसमें भी तो रेडिकल था भाई, मेज है कि नहीं ये, और उसमें भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ऐसे मक्का का दाना होता है, ये बीच में है, बाकी थोड़ा हिस्सा प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है, थोड़ा कॉटिलीडन होता है, ऐसा होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होती है, यहीं से दोनों चीज़ें निकलती हैं, यही प्लम्यूल और रेडिकल है, यहीं से निकल जाएगा। तो अब इसमें भी ऊपर ये गया, ये चीज़ें, तो ये हो गया, इनमें भी पत्तियाँ आ गई, ये मेज है, ये एंडोस्पर्म है, और ये कॉटिलीडन है क्या? अच्छा, ये जो नीचे गया इसे तो ज्यादा नहीं उठा ना, मक्के का पौधा बहुत ऊंचा होता है क्या, हम लोगों की हाइट से तो कम होता है। फिर ये जो प्राइमरी रूट है ये डाइज अवे, बताओ क्या हुआ? प्राइमरी रूट डाइज अवे एंड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम रूट्स कम आउट एंड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम रूट्स कम आउट, उसमें से निकल आएंगी। अगर ऐसा हुआ उसमें से निकल आएंगी तो उसे कहेंगे एडवेंचिशियस रूट। उसे क्या कहेंगे? रूट कितनी तरीके की हुई? देखो, पहले हमने क्या बताया, एक हुई ट्रू रूट, वो कहां से आती है? कमिंग आउट फ्रॉम रेडिकल। अच्छा, ये कैसी होगी? क्या ये टैप रूट सिस्टम है? और एक हुई कौन सी? यस, ठीक है, नॉट कमिंग आउट फ्रॉम रेडिकल, फ्रॉम रेडिकल। अच्छा, एक चीज ये देखो, जैसे एक छोटा सा पौधा है, ये ऐसे पत्तियां इसमें, ये ऐसे पत्तियां हैं बहुत सारी, और यहां पर ये एक इसमें कोई आ गया खाने के लिए इसको, तो अब अगर मान लीजिए इसको आ गया खाने के लिए, तो ये सोचेगा कि पत्ती पत्ती तो खा रहा है, कम से कम पूरा तो ना उखाड़ जाए, अब छोटा सा तो इसमें रूट आएगा, तो ये यहीं पर स्टेम से निकला है और स्टेम से निकल के बिल्कुल फैल जाएगा, बोलेगा ऊपर का खा ले नीचे तो बच जाए। तो इस तरीके की रूट को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट। क्या कहेंगे बताइए? लेकिन फिर भी हमें ये जानना चाहिए कि ये एडवेंचिशियस रूट का ही एक पार्ट है, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ स्टेम से निकली जो जमीन के अंदर है। सो इट इज, कैसी हैं? एक होती एरियल रूट, एक होती सब एरियल रूट, और एक होती है कि अंडरग्राउंड रूट्स। तो ये अंडरग्राउंड की है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से इसका एक तरीका क्या हुआ? क्या फाइब्रस रूट है? बताइए। अच्छा, एक ये बताओ, गन्ने का पेड़ कभी देखा है? ये इसी तरीके, ये बहुत सारे नोड्स हैं,
नोड वो होता है जहां से कभी पत्तियां निकले कुछ निकले, तो जो लोअर नोड्स हैं उनमें से रूट्स निकल आई और इसको सपोर्ट दे रही हैं, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो इस ऐसी चीज भी हो सकती है कि अगर मान लीजिए किसी गन्ने से या निचले हिस्से से भी रूट निकल आ सकती हैं एंड दे कैन सपोर्ट नोड से निकल आए, लोअर नोड से, तो उसे क्या कहेंगे? तब भी वो ट्रू रूट नहीं है। वो कैसी रूट हुई बताओ? क्या वो एडवेंचिशियस रूट हुई? क्योंकि वो तो किसी निचले हिस्से से निकल रही हैं। सो इस तरीके से ये भी एक मॉडिफिकेशन हो जाता है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम नोड, सो सच आर ऑल्सो रूट्स। ऐसी रूट आपको किसी पेड़ में मिल जाएगी जो नीचे से निकलती हैं, हम उसका नाम अभी बता देंगे कि ऐसा होता है। सो लोअर नोड, इसको कहते हैं स्टिल्ट रूट। इसको क्या कहेंगे? स्टिल्ट रूट बुक में दिया है आपके, अभी देख के लिया हमने। और ये कैसी है? फाइब्रस रूट। अच्छा, इसको कहेंगे स्टिल्ट रूट। और एक ऐसे होती है जैसे आदमी लोग छड़ी लेके नहीं चलते हैं, बूढ़े आदमी, तो उनको सहारे की जरूरत होती है, तो ये बरगद में देखती हो बहुत सारी जड़ें निकल आती है बनियन ट्री में, तो वो प्रॉप होता है। जैसे प्रॉप की मदद से बहुत सारे लोग डांस करते हैं ना, कोई प्रॉप लेके सहारे से, तो वो कौन सी रूट हुई बताइए? प्रॉप रूट। प्रॉप रूट भी हो सकती है, फिर कुछ है ऐसे भी ब्रायोफाइलम में लीफ में से भी निकल सकती हैं, तो वो वेजिटेटिव है, तो हम और भी नाम देखेंगे। तो अभी हमने बेसिक तरीके से दो तरीके से एडवेंचिशियस रूट लिखो, एडवेंचिशियस रूट, एडवेंचिशियस रूट, ये चीज है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि प्लांट में दो सिस्टम है, एक रूट सिस्टम और दूसरा क्या बताया बताइए? जो ऊपर चला उसे क्या कहा गया? क्या ये शूट सिस्टम है? और जो दो सिस्टम है, एक है शूट सिस्टम और दूसरा क्या है? रूट सिस्टम। प्लांट के चार ऑर्गन हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्लावर, फ्रूट। तो इन पांच चीजों के हम मॉडिफिकेशन इस चैप्टर में देखेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी उसके फॉर्म क्या है, अलग अलग रूट्स के फॉर्म क्या है, अलग अलग स्टेम के फॉर्म्स क्या है, मॉर्फोज, मॉर्फोज का मतलब फॉर्म, और लॉजी का मतलब साइंस, साइंस रिलेटेड टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। बोलो बात समझ में आ गई? ये सब क्या है? ये क्या प्लांट ऑर्गन्स हैं? तो इन सभी में हम मॉडिफिकेशन देखेंगे इस चैप्टर में, कि भाई फ्लावर कैसा होता है, उसका कैसा अरेंजमेंट है, फ्रूट का कैसा अरेंजमेंट है, ओव्यूल अगर जुड़ा है ओवरी से तो उसका किस तरीके का अरेंजमेंट है, पेटल्स का कैसा अरेंजमेंट है, एस्टिवेशन क्या होता है, फाइलोटैक्सी क्या होती है, स्टेम के क्या अरेंजमेंट्स हैं, फाइलोक्लेट्स क्या हैं, क्लेडोट्स क्या हैं, फाइलोट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।